हमने आपसे हमेशा कहा है कि तैयारी को देखकर तैयारी की जाती है, कभी भी एग्जाम को देखकर तैयारी नहीं की जाती। आप अपने दिमाग में ये बात अच्छे से बैठा लीजिए कि आपको सारे सब्जेक्ट आने चाहिए। अर्थ अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। कुछ छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, वो ये है कि UPSI की वैकेंसी आई और बहुत सारे बच्चों की बैच को लेकर एक डिमांड चल रही थी कि जल्दी से जल्दी बैच स्टार्ट किया जाए, तो उसकी इन्फॉर्मेशन कुछ अपडेशन है जो आपको मैं दे रहा हूँ। सबसे पहले तो ये कि जब भी कोई बैच स्टार्ट होता है किसी तरह से टारगेट, तो उस बहुत सारे बच्चे अचानक उस डायरेक्शन में भागने लगते हैं। तो हमने आपसे हमेशा कहा है कि तैयारी को देखकर तैयारी की जाती है, कभी भी एग्जाम को देखकर तैयारी नहीं की जाती। आप अपने दिमाग में ये बात अच्छे से बैठा लीजिए कि आपको सारे सब्जेक्ट आने चाहिए, तब आपका सिलेक्शन होगा। एग्जाम होने से सिलेक्शन नहीं होगा। एग्जाम तो हो ही रहे हैं, जिनको समय के अनुसार फाइनल होते रहते हैं, बच्चों का सिलेक्शन होता रहता है, लेकिन उन्हीं का होता है जिनकी वास्तव में तैयारी। आपसे कोई कह दे कि मतलब आपको कुछ ना आता हो, आपने डे वन में एंट्री की हो, तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी वार्म अप करा दूंगा, तुरंत करा दूंगा, तो शायद ये थोड़ा सा ठीक नहीं होगा और पॉसिबल भी शायद नहीं। हाँ, वो अलग बात है कि आप अपनी तैयारी में पहले से थे, आपको लगभग प्रिपरेशन थी, तो आपको प्रिपरेशन करा दी गई कि हाँ ठीक है, आपको पुशअप कर दिया गया। बस इसी बात पे बात करनी कि प्रिपरेशन ऑलरेडी है तो पुशिंग की जा सकती है। अगर हम ये अचानक सोचें कि हमें कुछ ना आता हो और हम अचानक किसी एग्जाम को टारगेट करने लगे, तो शायद ये झूठ ही होगा कि आपसे कह दिया है कि आपके 2 महीने में मैथ कंप्लीट हो जाएगी और बाकी सारे सब्जेक्ट जिनके साल साल भर के सिलेबस हैं वो 15 दिन में कंप्लीट हो जाएंगे। तो फिर वो कैसे होते हैं आप सभी जानते हैं। तो बेहतर ये है कि इसके लिए एक टारगेटेड बैच तो प्लान होना चाहिए, लेकिन कम से कम हमें ये पता हो कि किस बच्चे की ग्रिपिंग पावर कैपेसिटी, उसकी डेप्थ क्या है। अचानक किसी बैच को शुरू कर देना, भीड़ की तरह स्टार्ट कर देना, ऐसा ठीक नहीं होगा। एक एनालिसिस करना, हर 15-15 दिन पे क्लास में जैसे टेस्ट होता है, एक एनालिसिस चलता रहता है कि इस बच्चे की क्या प्रिपरेशन चल रही। तो हर सब्जेक्ट के बारे में अगर पता हो तो पता किया जा सके कि भाई उसकी, मान ली किसी की हिंदी वीक है तो उसकी हिंदी पे मेहनत करी जाए, किसी की मैथ्स वीक है उसे मैथ्स मेहनत की जाए, किसी की GS वीक है GS पे मेहनत की जाए, मूलविधि कमजोर है तो केवल मूलविधि पे मेहनत की जाए। सबको एक तरीके से हाँकना शायद बहुत बेहतर नहीं होता है। इसीलिए ये बैच तो स्टार्ट होना है और बहुत जल्दी ही स्टार्ट होना है, लेकिन ये एक डायरेक्ट बैच नहीं होगा कि आप स्टार्ट कर दें और आप आने लगें पढ़ने लगें अर्थ अकेडमी में। तो शायद हमारा ये कभी भी लक्ष्य नहीं रहा कि बच्चों की संख्या ज़्यादा हो, लक्ष्य ही रहता है कि एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कराई जाए और उनके लिए टारगेट जुझारू लोग जो हों वही तैयारी में आए। जबरदस्ती की बात करने का, क्लास को डिस्टर्ब करने वाले लोगों की कोई मतलब खास होता नहीं है उससे, ठीक है। तो इस पैटर्न में ये डिसाइड किया कि किसकी ग्रिप कितनी है, उसके लिए एक टेस्ट ऑर्गेनाइज किया जाएगा जो कि 4 मार्च 2021 गुरुवार को थर्सडे को 12 बजे होगा। आपको 15 मिनट पहले आना हो, बेहतर ये होगा कि इसके लिए आप एक दिन पहले मतलब 3 तारीख को ही मतलब बुधवार को ही, मतलब आज आप ऑफिस में आके अपना इन्फॉर्मेशन दे दें। अगर आप अपने ऑफिस में आके इन्फॉर्मेशन दे देंगे तो आपके टेस्ट के लिए आपके टेस्ट पेपर वगैरह प्रिपेयर हो जाएंगे, शायद ज़्यादा इजी होगा। यहाँ पर अर्थ एकेडमी के स्टूडेंट जो हैं वो सभी इस टेस्ट में आ सकते हैं। उसके अलावा जो भी आउटसाइडर्स हैं, मतलब जो ऑलरेडी अभी तक अर्थ एकेडमी के स्टूडेंट नहीं रहे लेकिन UPSI को टारगेट करने के लिए बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, वो भी इस टेस्ट को देने आ सकते हैं। मतलब जो UPSI के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं, UPSI की तैयारी को टारगेट करना चाहते हैं, वो भी इस टेस्ट को दे सकते हैं। मतलब अर्थ एकेडमी का स्टूडेंट हो, ऑलरेडी हो या आगे बनना चाहते हो UPSI बैच ज्वाइन करने के लिए, वो सभी इस टेस्ट को दे सकते हैं। लेकिन एक शर्त है, जो बच्चे इस टेस्ट को नहीं देंगे, कोई विषम परिस्थिति हो एक अलग बात है, लेकिन जो बच्चे इस टेस्ट को नहीं देंगे उनको इस बैच के लिए कंसिडर किया नहीं जाएगा। या फिर अगर कोई ऐसी विषम परिस्थिति हो तो फिर उसका मतलब उनका किसी न किसी तरीके से उनके साथ डिस्कस किया जाए तो एक अलग बात है, कोई विषम परिस्थिति बन जाए तो एक अलग बात है। लेकिन इजी गोइंग सिस्टम यही है कि आप ये टेस्ट दे रहे हो जो कि गुरुवार को, मतलब 4 तारीख को, मतलब कल 12 बजे होगा, ठीक है। तो इसलिए आप इस टेस्ट को जब दे रहे होंगे तो हमारे पास एक एनालिसिस होगा कि भाई हाँ, आपकी प्रिपरेशन यहाँ वीक है, वहां पर आपको पुशिंग की जरूरत है, उस तरह मेहनत कर सकते हैं। तो मैं सभी से ये चाहूंगा कि जो बच्चे एग्जाम की टारगेट कर रहे हों और अर्थ अकेडमी ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए इस बैच के लिए आप उस टेस्ट के बाद के थ्रू गुजरना पड़ेगा, तभी आप इस प्रिपरेशन को कर सकते हैं। दूसरी बात, अर्थ अकेडमी के जो मॉक टेस्ट चलते हैं तो UPSI के लिए
जो उसी लेटेस्ट सिलेबस, लेटेस्ट करंट और बाकी सारी चीजें जिस लेवल के क्वेश्चन आता है, अगर मैथ वगैरह देखेंगे आप यूपीएसआई को, तो आपको दिखेगा कि उन्होंने मेंस के स्तर को टच करते हैं। प्रीवियस पेपर उठा के देखिए, जो भी दो तीन बार हुए तो उनमें आपको पता चल जाएगा कि मेंस के स्तर को मैथ को टच करती है उसी पैटर्न पर। इसके लिए मॉक टेस्ट आज से ही स्टार्ट हो रहा है, 3 मार्च से, और मॉक टेस्ट का शेड्यूल लगभग सबको पता है टेलीग्राम चैनल वगैरह पे ऑलरेडी, 12:30 बजे रेगुलर होते हैं बुधवार को और शनिवार को, 3 तरह, मतलब अगर आप टेस्ट शेड्यूल की बात करें तो जो आपका शेड्यूल होता है टेस्ट का वो ये होता है कि थर्सडे को आप देते हैं और सैटरडे को आप देते हैं। थर्सडे सैटरडे वीक में 2 दिन मॉक टेस्ट होते हैं, इसी शेड्यूल में इनको भी किया जाएगा। और कोई और चेंजेज ना हो तो यूपीएसआई, जैसे बहुत सारे मॉक टेस्ट अचानक एक साथ होने लगते हैं और बच्चे दोनों तरीके के मॉक टेस्ट देना चाहते हैं, तो हम लोग इस तरह की प्लानिंग भी कर रहे थे कि इसको शुरू कर दिया जाए, फिर इनकी डेट जो है थोड़े अलग कर दिए, ताकि जो बच्चे सीजीएल के मॉक देना चाहते हैं और यूपीएसआई के भी मॉक टेस्ट देना चाहते हैं वो दोनों दे सकें। इस शेड्यूल को थोड़ा चेंज करने का भी प्लान चल रहा है, लेकिन अभी फिलहाल ये बुधवार से स्टार्ट हो रहा है, मतलब आज से स्टार्ट हो रहा है, और वीक में 2 बार थर्सडे और सॉरी वेंसडे और वेडनेसडे, मतलब और थर्सडे रेगुलर, ये वीक में मंथ में 8 बार होते रहते हैं, जिससे आप अपना लेवल चेक कर सकते हैं कि कैसे हम आपकी प्रिपरेशन है। इसके लिए कोई टेस्ट नहीं, ये डायरेक्ट मॉक टेस्ट होते हैं, स्पीड टेस्ट होते हैं, जो बच्चे जिनको ज्वाइन करना होता है चाहे वो अर्थ अकेडमी के स्टूडेंट हो या ना हो, उसके लिए आप यहाँ प्रॉपर आए ज्वाइन कर सकते हैं और मॉक टेस्ट प्रॉपर रेगुलर देकर अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो ये बैच टारगेटेड स्टार्ट होगा, जो टारगेटेड बैच स्टार्ट होगा, इसके लिए आपको टेस्ट से ही गुजरना पड़ेगा, तभी हम आपकी प्रिपरेशन बेहतर करा पाएंगे, ठीक। ओके, मुझे लगता है कि सारी जानकारी आपको मिल गई होगी इस माध्यम से। अगर किसी तरह की कोई और क्वेरी हो मन में, जो शायद मैंने सब कुछ चीजें बता दी हैं, उसको आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हैं, जो कि आप सभी के पास है, 9336978960। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके हमसे सीधे बात कर सकते हैं, कोई भी क्वेरी हो पूछ सकते हैं जो बता दिया उसके अलावा, ठीक है। धन्यवाद। गुड आफ्टरनून।